नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। ललितपुर में पेट्रोल पंप पर तैनात कर्मचारी के साथ जमकर मारपीट की गई। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए, लेकिन पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मामला थाना मड़ौरा क्षेत्र का है, जहां अरहंत पेट्रोल पंप पर तैनात एक कर्मचारी के साथ कुछ लोगों से पेट्रोल के रुपयों को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि कुछ लोगों ने केबिन के अंदर घुसकर कर्मचारी की जमकर पिटाई कर दी और मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं पीड़ित कर्मचारी का कहना है कि एक युवक ने मुझसे पेट्रोल लिया, जब मैंने उससे पेट्रोल के रुपए मांगे तो उसने साथियों सहित मिलकर मेरी पिटाई कर दी और मुझे जान से मारने की धमकी देकर भाग निकला। मारपीट कर रहे आरोपियों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ये हुआ था, बोलो थे पांच लोग और पेट्रोल डलाने आए। पेट्रोल डला के हमारे सेल्समैन ने पैसे मांगे। पैसे मांगने पर उन लोगों ने पैसे देने से मना किया। तो हम लोगों ने कहा कि भाई पेट्रोल पैसे दो, तो वो बोलने लगा पैसे नहीं है और गाली गलौज करने लगा। गाली गलौज करने के बाद हम लोगों ने उसका बीच बचाव किया तो मारपीट करने लगा और जान से मारने की धमकी दे के चला गया और अंदर ऑफिस में घुस के जबरदस्ती सामान तोड़ फोड़ की और मतलब मारपीट की और सर में भी चोट।